हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023, और उसमें भी हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 2 यानी कि सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, जो कि पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हमारा प्रोटीन सॉर्टिंग को लेकर के सेकंड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी रहेगा, यानी आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल यानी कि लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने आज के टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सॉर्टिंग होता क्या है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग को ही हम प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन ट्रांसलोकेशन या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रोटीन टारगेटिंग होता है द डिलीवरी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर प्रॉपर लोकेशन इनटू द सेल इज कॉल्ड प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग। सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनते हैं उन्हें उनकी सही लोकेशन पर पहुँचाना ही प्रोटीन सॉर्टिंग होता है। ये दो तरीके से होता है, सिग्नल बेस्ड और वेसिकल बेस्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें कि यहाँ सेल के पास न्यूक्लियस है, डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए बाहर आता है, राइबोसोम की हेल्प से वो प्रोटीन बनाता है। जब ये प्रोटीन बन जाता है अब यहाँ पर प्रोटीन सॉर्टिंग होगी। इस प्रोटीन के पास जो भी सिग्नल है या फिर इसको जहाँ पर भी जाना है या जिसके लिए भी ये बनी है उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। मतलब अगर ये प्रोटीन सेल के बाहर जाना है तो उसको सेल से बाहर पहुँचा दिया जाता है। अगर मेम्ब्रेन पर इसको इनकॉर्पोरेट करना है तो ये मेम्ब्रेन पर आ जाएगा। अगर इसको किसी भी ऑर्गेनेल्स में पहुँचाना है, लाइक लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है, वहाँ पर उनको पहुँचा दिया जाता है। तो यही है प्रोटीन सॉर्टिंग। अब हमने पढ़ा है कि ये दो तरीके से होती है, एक सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग होती है और एक होती है वेसिकल मीडिएटेड टारगेटिंग। सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग का मतलब है कि ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें प्रोटीन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस लगे होते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए। जैसे अगर उसे जाना है क्लोरोप्लास्ट में तो उसके पास स्पेसिफिक सिग्नल होगा, सीक्वेंस होगा जो उसको एंट्री दिलाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जैसे भी जिस भी पार्ट के अंदर सिग्नल की हेल्प से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनके सिग्नल को देखकर उन्हें सॉर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी के अंदर जो भी प्रोटीन जाता है उसके पास उनके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए, तभी उसे मतलब सॉर्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो सॉर्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनको सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वेसिकल में पैक होकर के जाते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन गोल्गी के पास जाएगा, लाइसोसोम के पास जाएगा या मेम्ब्रेन में जाएगा या सेल से बाहर जाएगा, इन चारों के लिए कोई भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उनको एक वेसिकल में पैक किया जाएगा, वहाँ वेसिकल का देखा जाता है। जैसे यहाँ तो हमने उस प्रोटीन का ही देखा है, यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसिकल बनती है, उन वेसिकल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कहाँ के लिए है, इस तरीके से इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं, सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग और वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग। अभी देखिए यहाँ पर प्रोटीन सॉर्टिंग में दो चीज़ें और देखी जाती हैं कि वो प्रोटीन जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीट फॉर्म हो गया है या फिर वो फॉर्म हो रहा है। तो जब प्रोटीन कंप्लीट फॉर्म होने के बाद डिलीवर किया जाता है, भेजा जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। जहाँ पर प्रोटीन पहले कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड हो जाता है उसके बाद उसको प्रॉपर लोकेशन पर डिलीवर किया जाता है। और यहाँ जो प्रोटीन बनते हैं उनको फ्री राइबोसोम बनाते हैं। ऐसे प्रोटीन जो कंप्लीट फॉर्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनको फ्री राइबोसोम, जो कि साइटोसोल में होते हैं, वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन चारों के अंदर जो भी प्रोटीन जाता है वो कम्प्लीटली फॉर्म होकर तब जाता है। जबकि कोर ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, प्रोटीन बन भी रहा होता है और साथ साथ वो सेंड भी किया जा रहा होता है। जैसे जो प्रोटीन ईआर के पास जाएगा, गोल्गी के पास जाएगा, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बाहर जाते हैं, वो कोर ट्रांसलेशनली ट्रांसलोकेट होते हैं, मतलब वो बन भी रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर दिए जाते हैं। तो ये और आपको एक डिफरेंस याद करना है।
यहाँ हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पहले ही हमने कर लिया है अपने फर्स्ट पार्ट में, हालांकि थोड़ा डिटेल में किया है, यहाँ बस थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रही हूँ। तो राइबोसोम भी जो है दो टाइप के होते हैं, फ्री या फिर साइटोसोलिक राइबोसोम, और सेकेंड होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, जो फ्री है वो साइटोसोल में फ्रीली मूव कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जो मेम्ब्रेन से बाउंड है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होकर अपना काम कर रहे हैं। देखो, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन। अब चाहे वो मेम्ब्रेन से बाउंड रहे या फिर फ्री रहे, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज ही करेंगे। बस थोड़ा लोकेशन का डिफरेंस हो जाता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, जो फ्री और साइटोसोलिक राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो प्रोटीन है वो इन्हीं राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं, और वो प्रोटीन जो कि कंप्लीट फॉर्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो इन्हीं राइबोसोम से बनते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस में जो प्रोटीन जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन जाता है वो इसी राइबोसोम से जो फ्रीली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होते हैं ये ER की मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, और ऐसे प्रोटीन जो कि बन भी रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी हो रहे होते हैं उनको ये राइबोसोम बनाते हैं उन प्रोटीन को। जैसे कि प्रोटीन जो ER में जाएगा, गोल्गी में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा और मेम्ब्रेन में जाएगा, उनके लिए जो प्रोटीन है वो ऐसे राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, एक और फ्लो चार्ट हमने देखा था। जैसे कि हमारे सेल के जो मेन पार्ट है जहाँ पर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो है न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ER, गोल्गी, लाइसोसोम, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के बाहर। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाले फोर हैं, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, यहाँ पर प्रोटीन जो जाता है वो पोस्ट ट्रांसलेशन सॉर्टिंग होती है। कंप्लीट प्रोटीन फॉर्म हुआ उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बाकी ये जो पांच हैं, ER, गोल्गी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रेट आउट, यहाँ पर जो प्रोटीन जाता है वो को ट्रांसलेशन सॉर्टिंग होती है, मतलब वो प्रोटीन फॉर्म भी हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा होता है। और स्टार्टिंग के ये जो पांच हैं, चार तो ये और ER को भी ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग होती है, मतलब सिग्नल होगा तो ही इनके पास जा पाएगा। जबकि यहाँ ER, गोल्गी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रेट आउट में उनके पास वेसिकल मीडिएटेड सॉर्टिंग होती है। तो ये फ्लो चार्ट भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कहाँ सिग्नल बेस्ड है, कहाँ वेसिकल बेस्ड है, कहाँ पोस्ट ट्रांसलेशन है, कहाँ को ट्रांसलेशन है। इसके बाद हमने ये डायग्राम देखा था। राइबोसोम जो है दो टाइप के होते हैं, साइटोसोलिक राइबोसोम, तो ये साइटोसोलिक प्रोटीन बनाते हैं, मतलब वो प्रोटीन जो फिलहाल साइटोसोल में ही बनेगा, बनने के बाद फिर उसके पास जो सिग्नल होते हैं उसके बिहाफ पर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। इसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग बेस्ड टारगेटिंग, क्योंकि यहाँ सिग्नल को देखकर ट्रांसपोर्ट किया गया है। जबकि यहाँ अगर बात करते हैं तो ये राइबोसोम जो है स्टार्टिंग में तो फ्री ही होते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन बनाने के बाद फिर ये मेम्ब्रेन से आकर के बाइंड कर जाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, तो वो ER में आएगा। और साथ साथ इस प्रोटीन के पास जो बना है उसके पास सिग्नल भी होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि ER में को ट्रांसलेशन होता है। देखो, प्रोटीन बन भी रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, साथ साथ सिग्नल बेस्ड है, मतलब सिग्नल की भी वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वो एक बार यहाँ आ जाता है फिर वेसिकल की फॉर्म में वो जाता है गोल्गी के अंदर, फिर यहाँ से अगर उसे लाइसोसोम में जाना है तो वहाँ जाएगा, PM में जाना है तो वहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था, सेम एग्जैक्टली यही है जो अभी हमने पढ़ा है, इसी को यहाँ डायग्राम की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे अपने आज के नए टॉपिक पर। तो देखिएगा, यहाँ हमने बात किया था सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग होती है और एक होता है वेसिकल बेस्ड। बस एक मिनट रुकिएगा। तो सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग में हमने चीजों को ट्रांसपोर्ट किया है न्यूक्लियस के अंदर, हमने ट्रांसपोर्ट किया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और हमने ट्रांसपोर्ट किया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड पेरोक्सिसोम, और होता है ER।
तो न्यूक्लियस के अंदर होता है गेटेड ट्रांसपोर्ट। गेटेड मतलब कि वहाँ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एज अ गेट की तरह एक्ट करते हैं, यानी जब ट्रांसपोर्ट करना है ओपन हो जाते हैं, जब ट्रांसपोर्ट नहीं करना है वो क्लोज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस में होता तो सिग्नल बेस्ड ही है, लेकिन गेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, मतलब वहाँ गेट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इन तीनों के अंदर होता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ इनके मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टिमटोम था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर टिकटोक था, और पेरोक्सिसोम के अंदर PEX-5, PEX-14 इस तरीके से लगे हुए थे। तो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होते हैं जो यहाँ हेल्प करते हैं। और ER में भी क्या होता है, ER में भी, हाँ एग्जैक्टली, ABC के अंदर आएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन में ही, यहाँ भी ट्रांस मेम्ब्रेन में ही होता है। तो लास्ट की वीडियो में हमने बताया था कि न्यूक्लियस हमने एक अदर वीडियो में कर रखा है। तो लास्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इन तीनों के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ER के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सिग्नल बेस्ड के अंदर आएगा ER, और बाकी इससे अलग जो वेसिकल मीडिएटेड है वो भी हम आज की वीडियो में ही ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ER के बारे में कि ER के अंदर कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो देखिए, प्रोटीन सॉर्टिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। तो सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। दो टाइप के होते हैं ER, SER और RER। RER वो होते हैं जिनके पास, जिनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, उनको हम RER बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं उनको हम स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं RER। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जिनके पास राइबोसोम है उनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके पास राइबोसोम नहीं है उनको बोलते हैं स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ER के अंदर प्रोटीन बहुत टाइप के आते हैं, ऐसा नहीं है केवल ER में रहने वाले ही आएंगे। ER के पास वो सारे प्रोटीन आएंगे जो आगे गोल्गी में जाने वाले हैं, जो आगे लाइसोसोम में जाएंगे, जो आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगे या फिर सेल से बाहर जाएंगे, वो प्रोटीन भी ER में ही आते हैं। और साथ साथ वो प्रोटीन जो ER में ही रहेंगे वो तो ER में आएंगे ही। इसीलिए ER के अंदर जो प्रोटीन सॉर्टिंग होती है वो काफ़ी स्पेसिफिक मानी जाती है, काफ़ी सेंट्रल फॉर्म में वो काम करती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे पाथवे हैं जिसके पास उसे ट्रांसफ़र करना है। तो अगर ये कोई प्रोटीन है जो कि ER में आया है, तो ये जो येलो वन है ये ER के लिए ही है, ER में ही आया है, यहीं पर रह जाएगा। लेकिन ये जो वाइट वाला प्रोटीन है, जो कलर में वाइट है, इस प्रोटीन को हमें आगे ट्रांसपोर्ट करना है, मानो गोल्गी में करना है। तो ये प्रोटीन भी पहले ER में ही आएगा, उसके बाद फिर यहाँ वेसिकल बनेगी, और वेसिकल में ये प्रोटीन पैक किया जाएगा और फिर उसको गोल्गी में सेंड किया जाएगा। ऐसे ही मानो ये प्रोटीन जो है हमें लाइसोसोम में भेजना है, तो भी ये ER में ही आएगा और फिर लाइसोसोम में वेसिकल की फॉर्म में जाएगा। ऐसे ही अगर इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करना है तो पहले ER में आता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाता है। ऐसे ही अगर हमें सेल से बाहर उसको एक्सक्रीट करना है तो भी वो ER में ही आएगा, वेसिकल की फॉर्म में पैक होगा और फिर सेल से बाहर चला जाएगा। तो ER में कई टाइप के प्रोटीन आते हैं, खुद ER के भी आते हैं और अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके भी आते हैं। इसको हम सिक्रेटरी पाथवे बोलते हैं। द पाथवे ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग दैट अकर थ्रू ER इज कॉल्ड सिक्रेटरी पाथवे। वो प्रोटीन की सॉर्टिंग जिसमें ER का रोल होता है उसको हम सिक्रेटरी पाथवे बोलते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन जो गोल्गी के पास जाता है वो सिक्रेटरी पाथवे से जाएगा, ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, सेल से बाहर जाएगा या लाइसोसोम में जाएगा, वो सब सिक्रेटरी पाथवे से जाते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटीन टारगेटेड टू ER रेफर्ड एज सिक्रेटरी प्रोटीन। वो सारे प्रोटीन जो ER के लिए टारगेट किए गए हैं कि इनको ER में भेजना है, उन सभी को हम सिक्रेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ER के अंदर जो प्रोटीन है, आइदर वो गोल्गी का हो, लाइसोसोम का हो या ER का ही हो, तो वो कैसे ER के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कोड ट्रांसलेशन होते हैं, ये एक नया पॉइंट है। ये कोड ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन को शो करते हैं। अभी तक हमने सारे पढ़े हैं पोस्ट ट्रांसलेशन,
यानी पूरा प्रोटीन फॉर्म हुआ, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। लेकिन ER में जो प्रोटीन जाता है वो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन से जाता है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल 100% नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से जाएगा। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशन होकर भी जा सकता है, लेकिन मेनली और मोस्टली को ट्रांसलेशन से जाता है, इसलिए हम इसी को यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ साथ ये सिग्नल बेस्ड भी है, क्योंकि प्रोटीन जो ER में आएगा उसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होने चाहिए तो ही वो ER में जाएगा, अदरवाइज ER में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड टर्मिनल पर। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो गलती से कहीं और चले जाते हैं, कहीं और इन द सेंस गोल्गी में चले जाते हैं, तो उनको वापस ER में लाने के लिए उसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जो कि कैडल होता है सी टर्मिनल पर। ठीक है, ये सीक्वेंस उसके पास होना चाहिए तो उसको रिटर्न किया जा सकता है। तो यहाँ अगर मुझे ER के पास प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरे पास दो साइट है, एक ER का मेम्ब्रेन है और एक ER का ल्यूमन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में चार साइट थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लोरोप्लास्ट में कितनी साइट थी, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा और थायलाकोइड का मेम्ब्रेन और थायलाकोइड का ल्यूमन। यहाँ पर केवल दो साइट होती हैं, एक ER का मेम्ब्रेन क्योंकि इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और ER का ल्यूमन यानी कि उसके अंदर वाला पार्ट। तो जो प्रोटीन ER की मेम्ब्रेन में जाता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मतलब उसके पास कुछ हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होते हैं जो उसको मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। और जो प्रोटीन ER के ल्यूमन में जाता है उसको हम सोल्यूबल प्रोटीन बोलते हैं, उसके पास भी कुछ नॉन पोलर सीक्वेंस होते हैं जो उसको ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम पूरा डिटेल में समझ सकते हैं अपना ER का ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर है ये राइबोसोम और ये है mRNA। अभी फिलहाल ये राइबोसोम फ्री है, मतलब किसी मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं है। तो ऐसा प्रोटीन जो ER में जाता है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है उसी राइबोसोम से जो फिलहाल फ्री है। तो ये फ्री राइबोसोम है, यहाँ पर mRNA भी आ गया है, राइबोसोम का भी एसोसिएशन हो गया है, यानी कि एक तरीके से यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है और कितना प्रोटीन बनता है, बस इतना बनता है कि वो सिग्नल फॉर्म हो जाएं जो कि ID कार्ड की तरह वर्क करेंगे। तो उस फ्री राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है और वो सिग्नल फॉर्म हो गए हैं जो कि उसको ER में एंट्री देते हैं। जब वो सिग्नल कंप्लीट फॉर्म हो जाते हैं तो फिर फोटो जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाती है। ठीक है, एक बार फ्री राइबोसोम है, वहाँ पर mRNA सब चीज़ें आ गई हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट बना है, वो इतना पार्ट बना है जो एज अ सिग्नल की तरह काम करेगा और उसको ID कार्ड की तरह, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बताएगा कि कहाँ जाना है। जैसे ही इतना सीक्वेंस फॉर्म हो जाता है इसके बाद ट्रांसलेशन रुक जाती है। फिर वहाँ एक प्रोटीन आता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसको हम SRP बोलते हैं। अगर आपको याद है तो ये SRP हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पढ़ा है, यानी कि जो प्रोटीन थायलाकोइड में जाता है उसके लिए भी SRP हेल्प करते हैं और यहाँ पर भी SRP हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको हम SRP बोलते हैं। तो ये SRP आते हैं, ये SRP अब यहाँ पर आकर के दो काम करते हैं, एक उनके पास जिस प्रोटीन के पास जो सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो इससे बाइंड करते हैं, एज वेल एज जो राइबोसोम की लार्जर सबयूनिट है उससे बाइंड करते हैं। जैसे ही ये SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये वही प्रोटीन है जिसको ER में भेजना है, तो फिर ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाता है ER की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, सब चीज़ें हो गई हैं, तो अब ये SRP इसको गाइड करता है कि तुम जाकर के मेम्ब्रेन पर बाइंड हो जाओ। अब जाकर ये राइबोसोम बना है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। फिलहाल तक ये फ्री था, यहाँ बाइंड होने के बाद ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बन गया है। जैसे ही इतना काम हो जाता है तो मेम्ब्रेन की जो ER की मेम्ब्रेन है उस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको हम SRP रिसेप्टर बोलते हैं, जो इस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ही ये लेकर के आता है पूरे कॉम्प्लेक्स को तो ये इसके साथ में एसोसिएट करता है, उसे बताता है कि मैं SRP हूँ और मैं उस प्रोटीन को लेकर के आया हूँ जो ER में जाना है। इतना काम होने के बाद
ये एसआरपी का काम अब खत्म हुआ, ये एसआरपी यहाँ से रिलीज हो जाता है। जब ये रिलीज होता है तो यहाँ एटीपी की हाइड्रोलिसिस लगती है, मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, वो एनर्जीज को यहाँ से हटा देती है। इतना काम होने के बाद सब चीज़ें हो गई हैं। अब ये प्रोटीन इस ट्रांसलोकेशन से, मतलब इस एक चैनल से अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। ये तो केवल बस आईडी कार्ड दिखाने के लिए है, ये इसको अंदर एंट्री नहीं देगा, बस ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या ये सही है या गलत है। एक बार जब यहाँ चीज़ें सही हो जाती हैं, उसके बाद ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये आकर के इस चैनल पर आकर बैठ जाता है, जिसका नाम है सेक 61। तो ये चैनल जो है सेक 61 है, यहाँ पर आकर के राइबोसोम बैठ गया है। जैसे यहाँ बैठ जाता है तो ये अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ फिर से जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ बंद हुई थी, यहाँ तक बंद ही रहती है, और जब ये यहाँ पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, उसके बाद फिर से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ चलेगा को ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बन भी रहा है और इसके अंदर आ भी रहा है। ठीक है, ये प्रोटीन बन भी रहा है और अंदर भी आ रहा है। कंप्लीट फॉर्म होने के बाद ये प्रोटीन यहाँ आ जाता है, और ये जो सिग्नल है उनको कट करके अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ईआर के अंदर चीज़ें मूव करती हैं। तो यहाँ हमारे दोनों पॉइंट वेरीफाई हो गए हैं। फर्स्ट ये है कि ईआर में जो प्रोटीन आता है उसके पास सिग्नल होने ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ एसआरपी को रिकोगनाइज जो कराएंगे वो सिग्नल होंगे। साथ साथ हमने पढ़ा था कि को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होता है, तो यहाँ प्रोटीन फॉर्म भी हो रहा है और साथ में ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, तो ये को ट्रांसलेशन भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया है, ये पाथवे समझ आ गया है। तो यहीं पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें आपको पूरा सीक्वेंस बताया गया है कि कैसे चीज़ें मूव करती है। द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसको हमने एसआरपी बोला है, प्लेज आर रोल इन प्रोटीन टारगेटिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SRP recognize signal sequence of secretory protein as they are exposed from the ribosome during the translation. SRP सबसे पहले recognize करता है उस sequence को जो कि secretory protein के ऊपर लगे हुए हैं, जिस जो कि अभी ribosome ने बनाया है। इतना होने के बाद SRP ribosome complex move to the SRP receptor on the ER membrane. ER की मेम्ब्रेन पर जो SRP रिसेप्टर लगे हुए हैं, वहां पर ये SRP और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स सारा मूव करके वहां आता है। फिर SRP बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से जो कि ER की सरफेस पर है, और जिस वजह से राइबोसोम भी जो है ER पर आ जाते हैं। द राइबोसोम रिज्यूम ट्रांसलेटिंग फीडिंग द पॉलीपेप्टाइड थ्रू अ पोर एंड इनटू द ER ल्यूमन। इतना होने के बाद राइबोसोम फिर से ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो रही थी वो एक पोर की हेल्प से ईआर के ल्यूमन में चली जाती है। एन एंजाइम एसोसिएटेड विद द पोर स्निप्स ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड। और जैसे वहाँ एक एंजाइम एसोसिएट होता है जो कि इस पोर से उस सिग्नल पेप्टाइड को मतलब हटा देता है, जैसे ही देखो इस पोर की हेल्प से ये अंदर आता है, तो यहाँ एक एंजाइम आकर के इस सिग्नलिंग ये जो सीक्वेंस था उसको कट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो एसआरपी रिसेप्टर होता है, एसआर फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द राइबोसोम एंड नेसेंट चेन ऑफ द सेक 61 प्रोटीन कंडक्टिंग चैनल। उसके बाद फिर ये जो सेक 61 जो चैनल है उसकी हेल्प से वो पूरा प्रोटीन जो है अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे है जो हमें बताता है कि ईआर के अंदर चीज़ें कैसे मूव करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने बता दिए हैं, मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज ट्रांसलेशन हॉल्ट एंड दिस हॉल्ट अकर टिल राइबोसोम रीच एट द ईआर मेम्ब्रेन। जैसे ही इलोंगेशन फेज आता है, अब ट्रांसलेशन में भी तीन फेज होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन हो गया है, इलोंगेशन भी थोड़ा सा हो गया है, उसके बाद इसी फेज में जो ट्रांसलेशन होती है वो रुक जाती है। और कब तक रुकी रहेगी? जब तक वो पूरा कॉम्प्लेक्स राइबोसोम वाला ईआर के मेम्ब्रेन पर नहीं आ जाता है। ये जो एसआरपी होता है, जिसको हमने सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बोला है, ये एक साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है जो कि ईआर से भी बाइंड करता है, ईआर के जो ईआर प्रोटीन है उसके सिग्नल से भी बाइंड करता है, एज वेल एज राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है 60S वाली है उससे बाइंड करता है। जो एसआरपी रिसेप्टर होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एसआरपी को, और
विद राइबोसोम एंड सिग्नलिंग सीक्वेंस। ये एसआरपी रिसेप्टर एसआरपी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और जो राइबोसोम वो अपने साथ में लेके आया है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोटीन पर जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ एसआरपी, एसआरपी को फिर से वहाँ से निकाल के फिर से यूज करवाने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। इन सम केसेस पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन ऑल्सो अकर इन ईआर। मैंने बताया था मोस्टली तो को ट्रांसलेशन होता है लेकिन सम केसेस में पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन भी ईआर के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक केस आता है, अगर आपने पढ़ा है तो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में जाते हैं उनमें दो टाइप देखे जाते हैं। जैसे मानो ये एक कोई मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में हमें कोई प्रोटीन मतलब डालना है तो वो मेम्ब्रेन को एक तरीके से भी मतलब एक ही बार भी पास कर सकता है जिसको हम सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, और वो प्रोटीन उस मेम्ब्रेन को एक से ज़्यादा बार भी क्रॉस कर सकता है उसको हम मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर ये मानो ईआर की मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन में जो मल्टी पास प्रोटीन होते हैं और जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये केस भी हमें थोड़ा सा एक बार देखना है। तो अगर हमारा सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और हमें ईआर की मेम्ब्रेन में उसको इनकॉर्पोरेट करना है तो किस तरीके से होगा? तो ऐसे प्रोटीन के पास जिसको केवल एक ही बार मेम्ब्रेन को पास करना है उसके पास दो सीक्वेंस होने बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्टॉप ट्रांसफरिंग सीक्वेंस, एक होता है स्टार्ट ट्रांसफरिंग सीक्वेंस। ये प्रोटीन है जो कि ईआर की मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट होगा और केवल एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो उसके पास ये दो सीक्वेंस होने ज़रूरी है, फर्स्ट स्टॉप ट्रांसफरिंग सीक्वेंस और द सेकेंड इज स्टार्ट ट्रांसफरिंग सीक्वेंस। स्टार्टिंग में जो एक्सपोज होता है वो स्टार्ट ट्रांसफरिंग सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस जो है रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज़ को और फिर इसको अंदर एंट्री मिलते हैं तो वो मूव करता रहता है। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक ये वाले सीक्वेंस जो स्टॉप ट्रांसफरिंग सीक्वेंस है वो मेम्ब्रेन में इम्बेड ना हो जाए। अब देखो ये केस है कि इसमें ये प्रोटीन अंदर मूव करता चला जाएगा लेकिन कब तक करेगा? जब तक कि ये सीक्वेंस जो है इस मेम्ब्रेन में इम्बेड ना हो जाए। जैसे ही इतना होता है तो ये सीक्वेंस को कट कर दिया जाता है और यहाँ प्रोटीन इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो देखो इसने मेम्ब्रेन को केवल एक ही बार पास किया है तो ये वो सीक्वेंस है जो उसको इनिशिएट करते हैं अंदर जाने के लिए और ये वो सीक्वेंस है जो उसको मेम्ब्रेन में रोकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उसके पास ये दो सीक्वेंस होने जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो क्या सिनेरियो रहेगा? यहाँ पर भी दो तीन केस देखने को मिलते हैं। ये तीनों ही मल्टी पास है लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एन टर्मिनल है इस प्रोटीन का और जो सी टर्मिनल है वो अपोजिट साइड में है। यहाँ पर दोनों सेम साइड में है यानी कि जो ईआर का ल्यूमन है उस साइड में है और यहाँ जो साइटोसोल की साइड में है, पर दोनों हैं एक साइड में ही, एन बी और सी बी, यहाँ एन बी और सी बी। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि एन किसी और साइड हो जाता है और सी किसी और साइड हो जाता है, और ये प्रोटीन का वो पार्ट जो कि इनको मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करवाता है वो अल्फा हेलिक्स होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ी है तो अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा हेलिक्स होता है, तो उसमें अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन होनी ज़रूरी है अगर उस प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इम्बेड रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस रहेगा? देखिए यहाँ कुछ ये बातें आपको याद रखनी है। यदि प्रोटीन के पास थ्री अल्फा हेलिक्स है तो वो मेम्ब्रेन को थ्री टाइम पास करेगा। ऑब्वियसली अभी हम पढ़ के आए हैं कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए अल्फा हेलिक्स का होना ज़रूरी है, तो जितने भी अल्फा हेलिक्स होंगे मतलब वो इंडिकेशन देंगे कि वो मेम्ब्रेन को उतनी ही बार पास करेगा। अगर थ्री अल्फा हेलिक्स है तो वो मेम्ब्रेन को तीन बार क्रॉस करेगा, अगर छः है तो छः बार करेगा, अगर सात है तो सात बार करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि यदि प्रोटीन में जो ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है वो अगर इवन नंबर में है जैसे कि दो हैं, चार हैं, छः हैं, आठ हैं, दस हैं, तो वहाँ पर क्या केस रहता है कि सी और एन टर्मिनल दोनों सेम ही साइड में प्रेजेंट होंगे, आइदर वो ल्यूमन के साइड हो आइदर वो साइटोसोल के साइड हो, लेकिन रहेंगे दोनों एक ही साइड में अगर उस प्रोटीन के पास इवन नंबर ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है। सेकेंड केस ये कहता है
कि अगर उस प्रोटीन के पास ओड नंबर ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हैं तो वो उसमें जो सी और एन टर्मिनल हैं वो अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स किया जाता है कि किस तरीके से वो मेम्ब्रेन को पास करेंगे, कहाँ उनके टर्मिनल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग पर हम आ गए हैं, ईआर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ईआर को कंप्लीट करते ही हमारा जो सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सिसोम, ईआर और न्यूक्लियस, इन पांचों के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड टाइप पे, दैट इज वेसिकल मीडिएटेड या फिर वेसिकल टारगेटिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर कैसे होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर गेटेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सिसोम और ईआर, इसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। अब लाइसोसोम बचा है, गोल्गी बचा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड, यहां पर होता है वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग। अब हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रोटीन टारगेटिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ तक जो चीज़ें आई हैं ईआर में, ये तो है सिग्नल बेस्ड, यहाँ तक तो ये चीज़ें सिग्नल बेस्ड, लेकिन अब इसके बाद जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा ये सारा वेसिकल बेस्ड होगा, मतलब ईआर से वेसिकल बनेगी और चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारा पाथवे ही आता है वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग में, ठीक है, ओके। चलिए, तो सिक्रेटरी पाथवे होता है, एक होता है एंडोसाइटिक पाथवे। अगर आपको याद है तो हमने सेल ट्रांसपोर्ट पढ़ा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उस ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एंडोसाइटोसिस, तो वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा है ये पाथवे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो देखिए, जो सिक्रेटरी पाथवे होता है उसमें तो क्या होगा कि ईआर के अंदर कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं और ईआर में कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं वो गोल्गी में जाएंगी वेसिकल की फॉर्म से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगी वेसिकल की फॉर्म से और लाइसोसोम में जाएंगी वेसिकल की फॉर्म से, ठीक है। एंडोसाइटिक पाथवे में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर आती हैं। यहाँ पर तो सिक्रेटरी पाथवे में ईआर से चीज़ें जा रही हैं गोल्गी में, लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बडिंग ऑफ होती है और वो सेल के अंदर आता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों पाथवे में। चलिए आगे देखते हैं। वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग में तीन प्रोसेस देखी जाती हैं, बडिंग, ट्रांसपोर्ट और फ्यूज़न। बडिंग कहाँ से होगी, जहाँ से हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ईआर से चीज़ें निकल के जाएंगी तो ईआर क्या करेगा, बडिंग करेगा, मतलब बड बनाएगा और उसको अपने आप से डिटैच करके ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये होती है बडिंग, इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये है ट्रांसपोर्ट, और जिसके लिए भी वो प्रोटीन है उसमें जाकर के वो फ्यूज़ कर जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होती है, बडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूज़न इन द वेसिकल बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे प्रोटीन जो कि वेसिकल की हेल्प से जाते हैं, अब उनमें हम कैसे याद रखेंगे। सिग्नल बेस्ड में तो हमें पता था कि जिसके पास जो सिग्नल है उसको वहाँ भेज देंगे, लेकिन वेसिकल में सिग्नल जो मतलब वेसिकल बेस्ड हैं उनमें कोई सिग्नल तो नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलत जगह पर चला जाए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है वेसिकल का, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वेसिकल में पैक होके जा रही हैं, तो यहाँ तो प्रोटीन ही है। अब जो वेसिकल होता है उसके ऊपर किस प्रोटीन की कोटिंग है उसके बिहाफ पर यहाँ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जो वेसिकल बनती है उन पर कुछ प्रोटीन लगते हैं, जैसे COP1, COP2 और क्लैदरिन। क्लैदरिन हमने एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था, यहाँ पर भी बेसिकली वो वहीं पर रोल प्ले करता है। तो कुछ कोटेड प्रोटीन होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि जिसके पास भी ये कोटेड प्रोटीन होगा उसको वहाँ जाना है, जैसे COP1, COP2 और क्लैदरिन। अब इनको वहाँ अटैच करने के लिए, उस वेसिकल पर अटैच करने के लिए इन प्रोटीन्स को
कुछ वहाँ मोनोमेरिक जी प्रोटीन भी होते हैं, GTPase बोलते हैं, जो GTP को यूज़ करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर उन प्रोटीन को कोट करवाने में हेल्प करते हैं, जिसमें ARF और SAR आ जाता है। ARF और SAR चीज़ें इसमें आती हैं, ये दो फैक्टर हैं। कुछ एडेप्टर प्रोटीन होते हैं जैसे AP1, AP2 और AP3, जो इनको ही कोट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो COP1 और क्लेदरिन अगर हमें कोट करना है तो वहाँ ARF की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर COP2 को हमें वेसिकल पे लगाना है तो वहाँ हमें SAR की रिक्वायरमेंट होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम पूरा अपना प्रोसीजर समझ सकते हैं। ये है ER से होता है बडिंग, मतलब ER से बड़ बनती है और वो बड़ जो है गोल्गी में जाती है। गोल्गी में जाने के बाद वो लाइसोसोम में भी जा सकती है और मेम्ब्रेन में भी जा सकती है। ये डायग्राम आपको और भी अच्छे से समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ER में देख लिया है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग इन गोल्गी बॉडीज। अब हमें गोल्गी बॉडी में चीज़ें पहुँचानी है। तो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसके पास दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो ER की साइड में होता है, मतलब ER से जो भी वेसिकल निकलती है वो गोल्गी के सिस फेस में फ्यूज होती है, और ER से जो दूसरा पार्ट है, ER से जो अवे है, उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। यहाँ से वेसिकल फॉर्म होके निकलती है, मतलब मानो अगर कोई प्रोटीन हमें लाइसोसोम में भेजना है तो वो ER से गोल्गी में जाता है और फिर गोल्गी से वो लाइसोसोम में जाता है। तो जब वो जा रहा होता है तो ट्रांस फेस से निकलता है, और ये जो स्ट्रक्चर है उनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। इनके जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है, ये सिस्टर्ने है, और इनके बीच का पार्ट ये ल्यूमन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम और अच्छे से समझेंगे। इस डायग्राम में बता रहा है कि देखो ये हमारे पास ER है जिसके पास वो प्रोटीन है जो कि गोल्गी में जानी है। तो अब ये क्या करेगा, एक वेसिकल की फॉर्मेशन करेगा और इस वेसिकल में ये इस पूरे प्रोटीन को पैक कर देगा जो कि गोल्गी में जाएगा। ठीक है, और जो वेसिकल गोल्गी में जाती है उसको कोट किया जाता है विद COP2। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा प्रोटीन जिसको हमें गोल्गी में भेजना है उसे एक वेसिकल में पैक किया जाएगा, और वो जो वेसिकल होती है उसको COP2 प्रोटीन से कोट किया जाता है। अब ये वेसिकल जो है कंप्लीट स्पेसिफिक हो गई है, अब इसके ऊपर COP2 लग गया है, तो अब बिल्कुल फिक्स है कि ये जो वेसिकल है ये गोल्गी में ही जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे ही गोल्गी में जाती है यहाँ पर फ्यूज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एंटीरोग्रेड पाथवे। ठीक है, एंटीरोग्रेड पाथवे बोलते हैं जब वेसिकल्स ER से गोल्गी में जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो GTPase काम करता है वो SAR होता है, मतलब यहाँ कोट करने के लिए ये जो GTPase आएगा वो SAR वाला आएगा। ठीक है, ARF था, एक SAR था, तो यहाँ SAR आता है। तो ये पाथवे हमने देख लिया है कि गोल्गी के अंदर कैसे चीज़ें मूव करती हैं। अब एक पाथवे होता है रेट्रोग्रेड और रिट्रीवल पाथवे। इसमें क्या होता है कि सम टाइम ER के अंदर कोई प्रोटीन होती है और उसको ER में ही रहना था, लेकिन वो गलती से गोल्गी में चली गई है। अब जैसे ही वो गोल्गी में जाती है तो गोल्गी को पता लगता है कि ये प्रोटीन मेरी नहीं है, ये ER की है, गलती से मेरे पास आ गई है। अब मेरा काम है कि मैं इस प्रोटीन को फिर से ER के पास पहुंचा दूं। तो अगर वो वेसिकल फिर से गोल्गी से ER में जाती है तो उसको हम रिट्रीवल पाथवे बोलते हैं। जैसे अगर वो ER से गोल्गी में जा रही है तो एंटीरोग्रेड पाथवे होता है, लेकिन अगर वो गोल्गी से ER में आ रही है तो उसको हम रेट्रोग्रेड या फिर रिट्रीवल पाथवे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए रिट्रीवल सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन ER में रिटर्न होती है उसके पास कुछ स्पेसिफिक सिग्नल होने चाहिए जो कि है कैडल, जो सी टर्मिनल पर होते हैं। ये क्या है, ये सारे अमाइनो एसिड हैं। के स्टैंड फॉर लाइसिन, डी होता है डी इज एस्पार्टिक एसिड, ई रहेगा ग्लूटामिक एसिड और एल रहेगा ल्यूसिन। तो ये चारों होने चाहिए सी टर्मिनल पर, तब जाकर ही उस प्रोटीन को रिटर्न किया जाएगा ER में। ठीक है, जो कैडल रिसेप्टर होते हैं वो ER में फॉर्म होते हैं, मतलब ये जो सिग्नल है ये जिससे बाइंड होता है उसको कैडल रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोटीन जिसके पास ये सीक्वेंस है वो प्रोटीन एक रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसको हम कैडल रिसेप्टर बोलते हैं। ये ER में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन ये रिसेप्टर ER पर भी होते हैं और गोल्गी पर भी होते हैं। ऐसा क्यों, अभी हम आगे समझेंगे।
अब एक बार फिर से बता देती हूँ, ER पर फॉर्म होते हैं ये कैडल रिसेप्टर, लेकिन प्रेजेंट होते हैं ER में भी और गोल्गी में भी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो pH जो होता है यहाँ इस पाथवे में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से, देखिए अगर एसिडिक pH है, मतलब H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा है, यानी कि pH क्या है, एसिडिक है, तो वहाँ पर कैडल प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके पास कैडल सीक्वेंस है, कैडल और कैडल रिसेप्टर के पास हाई एफिनिटी होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्गली बाइंड रहते हैं अगर वहाँ pH लो होता है यानी एसिडिक होता है। अगर pH न्यूट्रल रहता है तो कैडल और उसके रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है वो लोअर एफिनिटी से बाइंड होती है, मतलब वो वीक बाइंडिंग शो करते हैं अगर न्यूट्रल pH है। अगर एसिडिक pH है तो वो स्ट्रॉन्गली बाइंड रहते हैं, ठीक है। तो गोल्गी के पास एसिडिक pH होता है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन में H पॉजिटिव पंप लगे होते हैं, जबकि ER में न्यूट्रल pH होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम समझते हैं अपने डायग्राम की हेल्प से। देखिए ये डायग्राम है, ये है मेरे पास ER। ER ने कोई प्रोटीन गोल्गी में भेज दिया है, ER को लगा कि वो प्रोटीन गोल्गी का है, तो उसने एक वेसिकल बनाई, उसको कोप 2 से कोट कर दिया, प्रोटीन को उसके अंदर रखा और यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। जैसे ही ये प्रोटीन गोल्गी के अंदर आया है तो गोल्गी में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक pH है, तो आते ही इस प्रोटीन के पास कैडल सीक्वेंस है, क्योंकि बेसिकली ये ER का ही प्रोटीन है, लेकिन उसको लगता है गोल्गी का है तो उसने भेज दिया है। अब इसके पास कैडल सीक्वेंस भी है। अब जैसे ही ये गोल्गी में जाती है तो गोल्गी में एसिडिक pH है और गोल्गी में कैडल के रिसेप्टर भी होते हैं, तो तुरंत ये प्रोटीन आकर के यहाँ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटीन यहाँ बाइंड करता है तो गोल्गी को लगता है कि अच्छा कोई ऐसा प्रोटीन आया है जो कि ER का ही है, तो फिर इन रिसेप्टर से ये प्रोटीन बाइंड कर लिया जाता है और उस पूरे को एक वेसिकल में कवर कर दिया जाता है। अब ये वेसिकल जा रही है गोल्गी से ER में, तो उसको कोप 1 से कोट किया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो कैडल रिसेप्टर है वो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ होंगे रिसेप्टर तभी तो ये प्रोटीन यहाँ बाइंड कर पाएगा। अगर ये रिसेप्टर यहाँ ना हो तो ये प्रोटीन आ भी जाएंगे लेकिन बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो गोल्गी को भी पता नहीं लगेगा कि ये मेरे प्रोटीन नहीं है। तो कैडल रिसेप्टर का यहाँ होना भी ज़रूरी है। तो जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं ये वेसिकल बनता है, कोट किया जाता है और उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो यहाँ न्यूट्रल pH है, जिस वजह से ये कैडल और ये रिसेप्टर अलग अलग हो जाते हैं और ये प्रोटीन फिर से ER में आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये ER है, इसने एक प्रोटीन को पैक किया कोप 2 के अंदर और ट्रांसपोर्ट कर दिया गोल्गी के पास। गोल्गी के अंदर एसिडिक pH होता है, तो इस एसिडिक pH के कारण ये जो प्रोटीन आया है जिसके पास कैडल सीक्वेंस है वो तुरंत जाकर के बाइंड कर लेता है अपने रिसेप्टर से। जैसे ही यहाँ बाइंडिंग होती है गोल्गी को इंडिकेशन मिलता है कि ये प्रोटीन मेरा नहीं है, तो ये फिर से एक वेसिकल बनाती है, उस वेसिकल को कोट करती है कोप 1 से और ER में भेज देती है। जैसे ही ये वेसिकल ER में जाती है तो यहाँ न्यूट्रल pH है, तो कैडल रिसेप्टर और ये जो प्रोटीन है ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि जो कैडल के रिसेप्टर हैं वो कौन से वेसिकल में होते हैं, कोप 2 में या कोप 1 में, तो हमेशा वो कोप 1 में ही होते हैं क्योंकि वापस तो यहीं से आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि जो कैडल रिसेप्टर हैं वो मिलते हैं कोप 1 वेसिकल में, ना कि कोप 2 वेसिकल में, क्योंकि कोप 2 वेसिकल में उनका कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो ये पाथवे होता है जो गोल्गी के अंदर देखा जाता है, यानी चीज़ें ER से गोल्गी में कैसे जाती हैं और गोल्गी से ER में कैसे जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन सॉर्टिंग फ्रॉम गोल्गी टू लाइसोसोम। तो देखिए पहले प्रोटीन, मानो ये एक प्रोटीन है जो लाइसोसोम के लिए है। अब ये प्रोटीन डायरेक्टली लाइसोसोम में तो नहीं जाता है, नहीं जाएगा, ये प्रोटीन पहले जाएगा ER में, ये है ER, ये प्रोटीन पहले ER में आता है। अब ER से डायरेक्टली भी लाइसोसोम में नहीं जाएगा, अब ER से जाएगा ये गोल्गी में, ये है गोल्गी। तो ER इस प्रोटीन को पैक करेगा और इस पर होगा कोप 2 और फिर ये यहाँ चली जाएगी गोल्गी के अंदर।
अब ये प्रोटीन गोल्गी की भी नहीं है, तो उसमें फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। वो मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ मैनोज 6-फॉस्फेट को ऐड किया जाता है इस प्रोटीन पर, ठीक है। जैसे ही यहाँ ये ऐड हो जाता है, ये फिर से एक वेसिकल में पैक होकर के, वेसिकल में पैक होता है होकर के, अब ये जाएगा लाइसोजोम में, अब ये जाएगा लाइसोजोम में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आएगा यहाँ से, पहले ईआर, ईआर से कोप टू, कोप टू से गोल्गी, गोल्गी से फिर एक वेसिकल, अच्छा गोल्गी में मॉडिफिकेशन भी होगा, फिर एक वेसिकल, और फिर ये लाइसोजोम में जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं किस तरीके से पाथवे रहेगा। ये है मेरे पास ईआर, ईआर में कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पैक किया जाता है कोप टू कोटेड वेसिकल में। जैसे ही यहाँ ये पैक हो जाती है तो ये जाएगा गोल्गी में विद द पाथवे एंटीरोग्रेड पाथवे। जैसे ही ये गोल्गी में आ जाता है तो सिस गोल्गी से एंटर करता है, सिस गोल्गी में ही इसके पास मैनोज ऐड हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आया था कि मैनोज 6-फोस्फेट, जो 6-फॉस्फेट होता है वो एक प्रोटीन सिग्नल नहीं है, मतलब मैनोज 6-फॉस्फेट ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ना कि एक प्रोटीन। तो ये सिग्नल जो है प्रोटीन बेस्ड नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ मैनोज जुड़ता है, उसके बाद जब ये आगे जाएगा तो उससे 6-फॉस्फेट जुड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में ये प्रोटीन आया है, पहले उससे मैनोज जुड़ा है, उसके बाद मैनोज पर 6th पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ गया है। तो अब ये प्रोटीन मैनोज 6-फॉस्फेट के साथ में है, ठीक है। जैसे ये ट्रांस गोल्गी में आता है तो इसे एक वेसिकल में पैक किया जाता है, और इस वेसिकल की खास बात ये होती है कि इस वेसिकल पर मैनोज 6-फॉस्फेट के रिसेप्टर भी होते हैं, मैनोज 6-फॉस्फेट वाला प्रोटीन भी होता है, और इस वेसिकल के बाहर क्लैद्रीन की कोटिंग होती है, ना कि कोप वन ना कि कोप टू, क्योंकि कोप वन कोप टू यहाँ आ गए हैं, अगर यहाँ भी लगाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ आता है क्लैद्रीन, तो क्लैद्रीन आकर के इस वेसिकल को कोट कर देता है, और फिर ये वेसिकल जाती है लाइसोजोम में, मतलब इसको हम अर्ली एंडोजोम भी बोलते हैं। यहाँ आने के बाद ये जो मैनोज 6-फॉस्फेट है ये अलग हो जाता है, और फॉस्फेट यहाँ से निकल जाता है। तो अब ये बचता है वो प्रोटीन और मैनोज, और ये जो रिसेप्टर इसके अंदर आए हैं वो रिसाइकिल होकर के फिर से यहाँ आ जाते हैं गोल्गी के अंदर, ठीक है। तो मैनोज 6-फॉस्फेट के जो रिसेप्टर हैं वो गोल्गी में होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो लाइसोजोम में भी जाते हैं, जाने के बाद फिर रिसाइकिल होकर के यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पाथवे है क्लैद्रीन कोटेड वाला, जो कि लाइसोजोम में चीज़ों को भेजता है, ठीक है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी गई हैं, ईआर होता है, ईआर से चीज़ें मूव करती हैं सिस गोल्गी में विद द हेल्प ऑफ कोप टू कोटेड वेसिकल, वो आ गई है सिस गोल्गी में। सिस गोल्गी में आने के बाद उसका होता है मॉडिफिकेशन इन द सेंस, उसके पास मैनोज 6-फॉस्फेट का एडिशन होता है। इतना होने के बाद फिर वो वेसिकल फॉर्म होता है, और ये वेसिकल फॉर्म होती है, और इस वेसिकल पे क्या रहेगा, क्लैद्रीन रहेगा, अंदर ये रिसेप्टर रहेगा, और उस पर रहेगा मैनोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। फिर ये वेसिकल बडिंग कर जाएगी ट्रांस गोल्गी से, मतलब वहाँ से निकल जाएगी, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी और वो जाएगी अर्ली एंडोजोम में। फिर अर्ली एंडोजोम में आने के बाद ये प्रोटीन तो यहाँ आ जाएगी, फॉस्फेट भी अलग हो जाएगा, और ये जो रिसेप्टर है वो फिर से रिसाइकिल होकर के सिस गोल्गी में ही आ जाते हैं आगे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये पाथवे है जो हम देखते हैं लाइसोजोम के लिए, ठीक है। अब यहाँ आपको ये टेबल याद करनी है कि चीज़ें कैसे कैसे मूव करती हैं, ये इम्पोर्टेंट टेबल है। जैसे देखो, अगर हमारी वेसिकल कोप टू से कोट है, अगर हमारी वेसिकल कोप टू से कोट है तो वो ईआर से सिस गोल्गी में जाएगी। अगर हमारी वेसिकल कोप वन से कोट है तो वो सिस गोल्गी से ईआर में जाती है, ठीक है। अगर कोप टू से है तो ईआर से सिस गोल्गी, जिसको हम एंटीरोग्रेड पाथवे बोलते हैं, और अगर कोप वन है तो वो सिस गोल्गी से ईआर में जाएगी, जो कि है रिट्रीवल पाथवे या रेट्रीरोग्रेड पाथवे, ठीक है।
यहाँ पर GTPase काम करता है SAR, यहाँ काम करता है ARF, ठीक है। अगर हमारी वेसिकल क्लैदरीन से कोट है प्लस एडेप्टर प्रोटीन से कोट है तो वो कहाँ कहाँ जा सकती है, इसमें तीन कंडीशन है। अगर हमें हमारी वेसिकल को ट्रांस गोल्गी से एंडोजोम में ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ क्लैदरीन होना चाहिए और एडेप्टर प्रोटीन 1 होना चाहिए। जैसे जो वेसिकल बनती है इसमें यहाँ एडेप्टर प्रोटीन लगते हैं और उन पर फिर क्लैदरीन लगता है, तो ये जो एडेप्टर प्रोटीन है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ये एडेप्टर प्रोटीन AP1 है तो ये वेसिकल जाएगी एंडोजोम में, अगर ये एडेप्टर AP2 है तो वो वेसिकल जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोजोम में, ठीक है। मतलब अगर इस वेसिकल में AP1 है तो वो गोल्गी से एंडोजोम में जाता है, अगर AP2 है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोजोम में जाता है, ठीक है। और अगर हमें गोल्गी से सीधा लाइसोजोम में पहुंचाना है तो वहां पर AP3 कॉम्प्लेक्स होता है, और इन सभी केस में जो GTPase है वो ARF होता है, ठीक है। तो ये देखिए टेबल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर। तो सारा जो हमारा ये टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब जल्दी ही इसके इस टॉपिक से जितने भी PYQs क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगी, ताकि ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, थ्योरी प्लस PYQs, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।